प्रेक्षक महाशयों को अरुण श्री का नमस्कार। कबीर 15वीं शताब्दी में जीवित थे। इनका गुरु का नाम रामानंद थे। वे महान ज्ञानी और समाज सुधारक थे। उनकी लिखी हुई कुछ दोहे सुनिएगा। कल करे तो आज कर, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब पल में परले होएगी, फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। महान ज्ञान कवि कहते हैं, कल करने का जो कार्य है आज ही करो, आज करने का काम है अभी करो। पल में क्या होता है किसी को पता नहीं है। जो महान बनना चाहते हैं वे काम को टालते नहीं है। आपका काम अभी करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, ये देगन बारंबार तरवरते पल जाड़ी पड़ियो, तरवर से पल जाड़ पड़ियो, बाबुरी ना लागे डार, बाबुरी ना लागे डार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। कहा जाता है कि कई जन्मों के पुण्य पल के कारण इस मनुष्य का रूप मिला है। इसका इस महोन्नत मानव जन्म को सदुपयोग करो और महानता हासिल करो। इस प्रकार से कहते हैं, आम का जो वृक्ष है वहां पर जो पल है वो एक बार नीचे गिरता है, फिर वही पल झाड़ को नहीं लगता। एक बार उसका पत्ता नीचे गिर जाता है, फिर वही पत्ता झाड़ को नहीं लगता। ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य का जन्म को अपने महोन्नत बनाने का कार्य करते रहे। जागत प्रेम न संचरे, जागत प्रेम न संचरे, सोगत जान मसान, सोगत जान मसान, जैसे काल लोहार का सांस ले तबिन प्राण, सांस ले तबिन प्राण। महान ज्ञान कवि कहते हैं, जिस गट में जिस शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता, प्रेम को पाता नहीं है, वो गट जान मसान स्मशान में ले जाने वाला मुक्ते के समान है। उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे काल लोहार के पास भी, लोहे के चीजें बनाने वाले के पास भी एक धौकनी होता है, वो भी सांस लेता है और छूटता है, लेकिन बिना प्राण के। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रेम होनी चाहिए। प्रेमहीन जीवन एक धौकनी के समान है। लोहार के पास जो होते हैं वो धौकनी के समान है, उनका जीवन व्यर्थ है। प्रेम से युक्त जीवन महोन्नत है। नमस्कार।